हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस को बनकर तेजस एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर दिया गया है। कुछ कुछ स्टेशनों के बीच में जो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस चलती थी उसको अभी बंद करके उसके जगह पर तेजस एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, मैं इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा क्यों चलाया जा रहा है। तो बिलासपुर रेल विभाग की घोषणा के मुताबिक आज से बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की जगह तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। रेलवे प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि इसमें किराया कुछ कम रहेगा लेकिन सुविधाएं समान दी जाएगी। वही समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसे कि जो टाइमिंग था इसका बिलासपुर से नागपुर जाने का वो टाइमिंग चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि कुछ दिनों बाद ही वंदे भारत एक्सप्रेस को फिर से शुरू कर दे जाने की बात बोला गया है, ठीक है। जैसे कि कुछ दिनों मतलब हफ्ता भर के अंदर इसको फिर से सेम मतलब जो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको तेजस को बंद करके वंदे भारत को चला दिया जाएगा। तो तेजस एक्सप्रेस का फेयर क्या होगा, जैसे कि आपका वंदे भारत का जो फेयर होता था उसका फेयर से तेजस एक्सप्रेस का जो किराया होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन फैसिलिटी आपको सेम दिया जाएगा। जैसे कि बिलासपुर नागपुर एक्सक्यूटिव क्लास का किराया वंदे भारत का जो लगता था 1890 रुपये लगता था, जबकि तेजस एक्सप्रेस का 1755 रुपये ही लगेगा। इसी तरह से चेयर कार का जो उसका फेयर लगता था वंदे भारत का 955 रुपये लगता था, जो कि आपका तेजस एक्सप्रेस में सिर्फ 830 रुपये ही देना होगा, ठीक है। और वंदे भारत बंद करने की क्या वजह है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रेलवे की एक अधिकारी ने बताया कि वंदे भारत की टोटल 16 बोगियाँ होती थी जिसके मुकाबले यात्रियों की संख्या काफ़ी कम होती थी, इसीलिए अब रेलवे के तरफ से वंदे भारत को 8 बोगियों के साथ चलाने की परमिशन दिया गया है। फिलहाल सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को 8 कोच कर दिया गया है, पहले उसमें 16 कोच होता था जो कि उसको 8 कोच कर दिया गया है। सेम इसी तरह से वही बिलासपुर नागपुर के बीच तेजस एक्सप्रेस को भी वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से चलाया जा रहा है, जैसे कि गाड़ी तेजस एक्सप्रेस है लेकिन उसको वंदे भारत के नाम से ही चलाया जा रहा है। और हफ्ते भर के अंदर कम बोगियों के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।